चलो आज नया वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है हमारा एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। लास्ट 2-3 दिन से मैं कुछ प्रैक्टिकल्स वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, मैं कुछ अलग काम में फंस गया था जिसके वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मुझे वीडियो बनाओ उसको एडिट करके अपलोड करो। ठीक है, सो फाइनली अभी टाइम मिला है। सो अप्रॉक्सीमेट रात के 12:06 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने थेरोटिकल जो सेशन लेते थेरोटिकल जो लेक्चर लेते आपको पता है कि उसमें EIGRP का टेक्नोलॉजी किस तरीके का है, उसमें फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, मार्केट में क्यों आया, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ओके, सो अभी इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल ही सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मोस्टली प्रैक्टिकल सीरीज बना रहा हूँ ये। सो लेट्स स्टार्ट द EIGRP प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने 3 राउटर लिए हैं, उसके बाद 3 स्विचेस लिए एंड 3 यूज़र PC लिए। मैंने इन सबको बेसिक IP एड्रेस प्रोवाइड कर चुका हूँ। स्टिल अभी तक आपको बेसिक IP एड्रेसिंग नहीं आती है तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल नहीं रन किया अभी तक ये 3 राउटर के ऊपर। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, शो रन करके आप चेक कर सकते हैं, देखो कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं किया, सिंपली मैंने IP एड्रेस असाइन किया। सो IP एड्रेस चेक करने के लिए मेरे पास कमांड है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। आप मैं प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया कि शॉर्टकट वगैरह किस तरीके से, अगर मुझे कुछ कमांड नहीं पता तो मैं टैब का यूज़ कर सकता हूँ। सो आप वो चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने बेसिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। सो सबसे पहले मैं router 1 पे जाता हूँ, होस्ट नेम भी दे चुका हूँ। यहाँ पे मैं EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। सो EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ जो मैंने IP एड्रेस दिए वो प्रॉपर है, और पॉइंट टू पॉइंट मैं पिंग करके भी देख सकता हूँ 1.2 जो कि R2 का इंटरफेस है उसके साथ पिंग हो रहा है, और जो मेरा user PC है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.2, इसको भी पिंग होना ही चाहिए। चलो पिंग यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, सेम एज मैंने सभी राउटर के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। सो मैं यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अब जब भी प्रैक्टिकल करते हो या तो टोपोलॉजी क्रिएट करते हो सो मेक श्योर कि आपका पॉइंट टू पॉइंट IP एड्रेस पिंग होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। सो ये अभी मैं EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। सो मैं EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड चला रहा हूँ, राउटर EIGRP। अगर मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो आप यहाँ भी देखोगे मुझे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पूछ रहा है। सो 1265535 में से मैं कोई भी ऑटोनोमस नंबर ले सकता हूँ, बट मेक श्योर वो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर अनदर राउटर जो तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है उसमें सेम होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा भी मिसमैच करता हूँ, लाइक यहाँ पे 100 देता हूँ, यहाँ पे 101 देता हूँ, सो दे विल नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, मैं वो भी आपको इस प्रैक्टिकल के दौरान करके बताऊँगा। सो अभी ये प्रैक्टिकल आप एंड तक प्रॉपर रूप से देखो, आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं अभी तक राउटिंग इन्फॉर्मेशन EIGRP एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने रन नहीं किया। तो सबसे पहले मैं user PC फर्स्ट पे जाके मैं पिंग करके भी देखता हूँ लास्ट वाले user PC को 10.30.0.0.2, उसको पिंग नहीं हो रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। तो मैंने अभी क्या किया, ये जो मेरा user PC है जिसका IP एड्रेस 10.0.0.2, मैंने यहाँ से पिंग किया इस पर्टिकुलर यूज़र को जो है 10.30.0.0.2, इसको पिंग नहीं हो रहा है, रिचेबल नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग EIGRP प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं मैं राउटर EIGRP कमांड डालने के बाद क्वेश्चन मार्क डाला है, तो क्वेश्चन मार्क में बोलता है कि 65535 तक आप कोई भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 100। उसके बाद मुझे सिंपली लाइक राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की तरह ही यहाँ पे मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एडवर्टाइज़ करना है। मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं सबसे पहले चेक कर लूँ कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से,
या तो फिर टोपोलॉजी को देख के भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोपोलॉजी देख के करता हूँ, दोनों चीज़ बताऊँगा किस तरीके से करते हैं। नेटवर्क डाला मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड एंड सेकंड नेटवर्क इज 10.0.0.0। ओके एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ शो आईपी राउट, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिख रहे हैं। करेक्ट, मैंने यही नेटवर्क EIGRP में एडवर्टाइज किया। अभी सेकंड राउटर है, सेकंड राउटर के ऊपर मैं चेक करता हूँ शो आईपी राउट, तो यहाँ मुझे 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। एक नेटवर्क है 20.0.0.0, एक नेटवर्क है 192.168.1.0, एक नेटवर्क है 192.168.2.0। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसी नेटवर्क को मुझे एडवर्टाइज करना है राउटर EIGRP 100, जो कि मेरा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, जो कि सेम होना चाहिए। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एडवर्टाइज 20.0.0.0। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेम यही नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं राउट टोपोलॉजी भी नहीं देख रहा इस कंडीशन में। नेटवर्क सेकेंड वाला है, मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है एंटर। देखो नेबरशिप अप हो गया है, नेबरशिप हो गया है, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। करेक्ट हो गया मेरा यहाँ तक का कॉन्फ्यूशन। यहाँ पे देखो एक हमें एक मैसेज आया है, ड्यूअल नेबर नेबर चेंज NBR नेबर चेंज IP EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 नेबरशिप किसके साथ हुई, 192.168.1.1। 1.1 मीन्स R1 का F0/0 का IP एड्रेस, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोपोलॉजी में, या तो अगर हम लोग कॉन्फिगरेशन चेक कर सकते हैं राउटर का तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये बेसिक चीज़ें जो आपको आना चाहिए। करेक्ट, सो दिस इज़ द बेसिक, सेम एज मैंने R2 के ऊपर भी कॉन्फ़िगर किया है EIGRP। जब मैं शो रन करके चेक कर सकता हूँ मैंने किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। देखो यहाँ पे कमांड लाइन आती है। अभी मैं क्या करता हूँ, राउटर 3 के ऊपर जाके ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 यूज़ करता हूँ, राउटर EIGRP 200। उसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का एडवर्टाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, नेटवर्क 30.0.0.0 192.168.2.0। करेक्ट एग्जिट, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ शो आईपी राउट, तो कोई राउट्स नहीं आ रहे, ना तो शो IP EIGRP नेबर चेक करता हो तो कोई भी नेबर्स नहीं शो हो रहे। वो इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 EIGRP चलाया ऑटोनोमस सिस्टम, यहाँ पे 200 चला रहा है। तो ये राउटर बोलता है कि मेरा ग्रुप 100 का है, और ये राउटर बोलता है मेरा ग्रुप 200 का है, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो मैं सबसे पहले यहाँ से EIGRP हटा देता हूँ, सेम कमांड नो लगा दूंगा उसके आगे, नो राउटर EIGRP 200 हटा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप वो कमांड नहीं है अभी। देखो सेम राउटर EIGRP 100 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अगर मैं नेटवर्क में भी मिस्टेक करता हूँ तो नहीं आएगा। अभी देखो नेटवर्क प्रॉपर है, नेबरशिप भी फाउंड हो गई। उसके बाद नेटवर्क 30.0.0.0, चलो यहाँ तक मेरा हो गया। अभी मैं जाता हूँ R1 के ऊपर, यहाँ पे शो आईपी राउट चलाता हूँ, शो आईपी राउट करके मैं चलाता हूँ, तो आपको पता चलता है कि डी करके एक कोड दिख रहा है एंड सी करके कोड दिख रहा है। सी इज स्टैंड फॉर द डायरेक्टली कनेक्टेड। काफ़ी लोग सोचते हैं कि डी स्टैंड फॉर द डिफॉल्ट, इट्स नॉट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के लिए हम लोगों को जो दिखता है वो होता है S*। ओके सो डिफॉल्ट के लिए इस तरीके से दिखता है, डी स्टैंड फॉर द EIGRP, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके EIGRP का यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है हमें, 10.20.20.0.0.0, 30.0.0.0 एंड 192.168.2.0। सो ये 3 नेटवर्क है जो कि हमें EIGRP के थ्रू आए, तो आप इसका AD वैल्यू एंड मैट्रिक भी देख सकते हो यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पे हमें गेटवे या तो फिर नेक्स्ट स्टॉप भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टॉप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बाहर जाने का रास्ता। ओके सो इस तरीके से हम लोग कॉन्फिगर करते हैं EIGRP। अभी हम लोग चेक करते हैं कि वेरिफिकेशन इसका किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यूज़र PC पे,
जब स्टार्टिंग में मैंने जब चेक किया था तो वो देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा था कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो अभी मैं फिर से पिंग करके देखता हूँ, अभी तो होना चाहिए क्योंकि मेरा EIGRP का कॉन्फिगरेशन तो प्रॉपर है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ पे पैकेट जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा कॉन्फिगरेशन बराबर है। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा पैकेट प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, तो ट्रेस रूट करके मैं चेक कर सकता हूँ। ट्रेस रूट में आपको ये पता चलेगा कि आपका पैकेट किस तरीके से जा रहा है। तो सबसे पहले ये हिट कर रहा है 10.0.0.1, जो कि ये इस वाले इंटरफेस का IP एड्रेस है। सेकंड वाले हिट कर रहा है यहाँ पे 192.168.1.2, यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड वाला हिट कर रहा है 2.2.2.2, मतलब आप चेक कर सकते हैं वो इंटरफेस है यहाँ पे। एंड लास्ट वाला इंटरफेस है, लास्ट वाला IP एड्रेस है 30.0.0.2, जो कि ये यूज़र PC का है। तो इस तरीके से हमारा डेटा फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली ट्रेस रूट कमांड आपको बताएंगे कि आपका डेटा किस तरीके से पास हो रहा है और कौन से राउटर और कौन से IP एड्रेस के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज प्रैक्टिकल ऑफ द EIGRP। बहुत बेसिक प्रैक्टिकल है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। नेबर टेबल, राउटिंग टेबल एंड द टोपोलॉजी टेबल। ओके, सो टोपोलॉजी टेबल के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको समराइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। इसके बाद बताऊंगा मैं। इस प्रैक्टिकल में बेसिक EIGRP कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर आपको राउटिंग टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगी एंड नेबरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इस प्रैक्टिकल के बारे में आपके आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेशन में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। ये सेशन आज हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।